अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी अंबिया भेजे हर नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा अता फरमाया। मौजजा नबूवत की दलील होते हैं। मौजजे का मतलब क्या है? मौजजा अरबी जुबान का लफ्ज है। इनका मतलब इनका माना की दे जो वो शायद जी हर इंसान को पूरी तैनात को आज सा देवे। मौजजा भी ये होते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर अंबिया को मौजजा देते हर अंबिया को दलील देते नबूवत की। जितने भी अंबिया दुनिया के ऊपर मबूस हुए हर नबी अपनी दलील गिन के अपना मौजजा गिन के मबूस है। आप अलैहि सलातो वसलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा का बड़ा फरमाया। बकिया अंबिया के मौजजा कम हैं घट हैं थोड़े हैं। जय राय मेरे प्यारे पैगंबर आमना रसूल यदीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा के बड़ी शान अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा के बड़े अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा के काफी सारे अता फरमाए। क्यों ना अता फरमाना नबी दे नबी पैगंबर दे पैगंबर इमाम अल अंबिया अगर ये आम नबी हैं इमाम अल अंबिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा की बड़ी बड़ी अता फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आम अली सलातो व सलाम को दो किस्म के मौजजा अता फरमाए। दो किस्म के बाकी अंबिया जितने भी हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अंबिया को एक किस्म के मौजजा अता फरमाया। वो मौजजा आरजी और वक्ती हैं। जब तक वो नबी दुनिया के ऊपर रह गए वो मौजजा दुनिया के ऊपर रह गए। जब नबी दुनिया को रुखसत हुए वो मौजजा भी उनका खत्म। एक नबी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का मौजजा आग के अंदर मंजर। जब तक हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम उस आग के अंदर हैं वक्ती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मौजजा अता फरमाए। भार ने नहीं चाहिया ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का मौजजा है लेकिन वक्ती तौर पर आज भी तौर पर एक ही जो बड़ा आग के अंदर गया हुआ है तो बड़ा एक दिया हुआ नहीं सिर्फ वक्ती तौर पर वो वक्त आई जब हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को आग के अंदर जगा है आग ने असर नहीं पाया। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को कुछ नहीं आता। बल्कि अंबिया के लोगों उन्हें दे मौजजा आजी और वक्ती आप अलैहि सलाम को अस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिन मौजजा अता फरमाए। दो किस्म के मौजजा एक आजी और वक्ती मौजजा भी और दायमी और अमली मौजजा। दायमी और अमली मौजजा के लिए और आजी और वक्ती मौजजा के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आजी और वक्ती जो मौजजा अता फरमाए उन्हें जो एक मौजजा आप अलैहि सलाम व सलाम ने एक दफा कुफार का गिरोह काफिर सरदार अबू जान उतबा उतैबा सहबा इशारे आप अलैहि सलाम व सलाम की बारगाह अंदर हाजिर हुए। ऐ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तू जो आली है नबी है अल्लाह ने तेरे को नबूवत अता की थी अगर तू नबी नहीं असा ये आज है इधर चादर चौड़ भी ना चादर चमकदार खड़े एक दो ही से ताले पीछे सारे दिन नबूवत तू ही तारी है तेरी नबूवत का इकरार करने का नबी बने दे हैं। आप अलैहि सलाम व सलाम ने फरमाया ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चार दुआ मांगी ना अल्लाह एक कुरैश कुफार मक्का बड़े बड़े सर
ਨਾਰਾਗਿਤ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਦੀ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਚੰਦਰ ਤੋਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਮਾਨ ਗਿਰੋ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਫਾਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਮੱਕਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਰੱਬੀ ਔਰ ਆਲਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਤੱਕ ਆਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ੀ ਔਰ ਰੱਬੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਮ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹੱਥ ਸਕਿਨ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਬੋਇਨ ਪਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨੇ ਅੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪੀਂਦੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਰਹੇ ਖਤਮ